हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर में हमने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। मॉडर्न सेल थ्योरी जो है, या जिसे सेल प्रिंसिपल कहा जाता है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी जो है वो एक प्रकार का जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन इसको क्यों बोला है, क्योंकि सेल थ्योरी के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे अपवाद सेल थ्योरी के हैं, इसलिए इसे जनरलाइजेशन बोला जाता है। अब कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं इनके? सबसे बड़ा एक्सेप्शन सेल थ्योरी का वायरस होते हैं, क्योंकि वायरस सेल के समान स्ट्रक्चर को शो नहीं करते हैं, लेकिन इनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं। वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल के स्ट्रक्चर्स को शो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी सेल के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। सेल यानी बॉडी का जो डिवीजन है, बॉडी का जो विभेदन है, वो सेल के अंदर नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, म्यूकर और राइजोपस जो फंजाई है, उनके अंदर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन पाई जाती है। यानी एक ही सेल, एक ही उनकी बॉडी, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से वो बने हुए होते हैं। म्यूकर और राइजोपस फंजाई जो है, उनके अंदर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन मिलेगी, इसलिए ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं। थर्ड, जो प्रोटोजोआ फाइलम है, उसके कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा सब सेलुलर लेवल पर वर्क का डिफरेंस पाया जाता है। यानी सेल के अंदर भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें सब सेलुलर लेवल पर वर्क के अंदर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस पाई जाती है, तो ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। बहुत नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है, ऐसी सेल्स भी प्रेजेंट है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, अनडेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस है, तो वो भी एक तरह से सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। मैमेलियन जो आरबीसी है और सीवी ट्यूब जो सेल्स हैं एनिमल्स के अंदर, या मैमेलिया के अंदर आरबीसी और सीवी ट्यूब प्लांट्स के अंदर लिविंग सेल है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है। और लास्ट जो है, हाईली जो इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हमारी बात करें, मैन जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज को हम शो कर सकते हैं जो सेल नहीं कर सकती है। जैसे मैन जो है या ह्यूमन जो है वो बोल सकता है, लेकिन एक जो सिंगल सेल है वो उस सेल के अंदर स्पीक की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, बोलने की क्षमता उसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शन सेल थ्योरी के हैं, इसलिए सेल थ्योरी को एक जनरलाइजेशन हम कह सकते हैं। सेल थ्योरी को जनरलाइजेशन कहा जाता है। तो सेल थ्योरी इज ए जनरलाइजेशन, उसके रीजन क्या है? इट इज हैविंग मैनी एक्सेप्शंस। जनरलाइजेशन क्यों बोला है हमने सेल थ्योरी को? क्योंकि इसके अनेक एक्सेप्शंस हैं, इसके अनेक अपवाद हैं। पहला इनका क्या अपवाद है? वायरस डू नॉट शो सेल स्ट्रक्चर, फर्स्ट जो इसका एक्सेप्शन है। वायरस जो होते हैं सेल के समान स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हैं, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरस सेल के समान स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हैं। बट
दे शो लिविंग सम लिविंग प्रॉपर्टी सम लिविंग प्रॉपर्टीज वायरस सेल के समान स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हैं, सेल के समान स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं, लेकिन इनके अंदर सम लिविंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज वायरस के अंदर पाई जाती है। तो ये सेल थ्योरी का पहला एक्सेप्शन, पहला अपवाद होते हैं। सेकंड, इन सम ऑर्गेनिज्म्स कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन सम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड Body is not differentiated into cells. कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी का सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए एंड इज कंसिस्ट ऑफ ए number of nuclei as in mucor and rhizopus fungi. सेकेंड पॉइंट क्या है, जो कुछ ऑर्गेनिज्म्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होती है और इनकी बॉडी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से बनी होती है, बहुत सारे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर इनकी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जांपल हम कौन से ले सकते हैं, म्यूकर जो फंजाई है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मिलेगी। सेकेंड, राइजोपस जो फंजाई है उसके अंदर इस तरह के कैरेक्टर हमको दिखाई देते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी सेल के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, इनकी बॉडी न्यूक्लियाइज या केंद्रक के बहुत सारे केंद्रक एक साथ मिलकर इनकी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल म्यूकर और राइजोपस है, इसलिए ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं। नेक्स्ट, इसका जो एक्सेप्शन होगा सेल थ्योरी का, प्रोटोजोआ शोज सब सेलुलर डिफरेंशिएशन प्रोटोजोआ शोज सब सेलुलर डिफरेंशिएशन फॉर डिफरेंट वर्क। प्रोटोजोआ फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक ही सेल में डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए, डिफरेंट वर्क को करने के लिए डिफरेंशिएशन पाया जाता है। एक ही सेल के अंदर अलग अलग काम को अलग अलग भागों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो प्रोटोजोआ के अंदर सब सेलुलर लेवल पर डिफरेंट वर्क को करने के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन पाया जा रहा है, इसलिए ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है, सेल थ्योरी का अपवाद होता है। नेक्स्ट, देयर
are many cells which do not have true nucleus, which do not have true न्यूक्लियस। ऐसी सेल को क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन क्या है? बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू या डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इसलिए यह भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, इनका न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, अंदर जो डीएनए है उसके साथ स्टोन प्रोटीन अटैच नहीं होता है, इसलिए इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। ऐसी सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होती हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी एंड सीवी ट्यूब प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है, टिश्यूज में सीवी ट्यूब्स, मेमेलियन आरबीसी एंड सीवी ट्यूब्स। सीवी ट्यूब सेल्स, सेल्स आर लिविंग सेल, सेल्स आर लिविंग सेल्स विच आर विदाउट न्यूक्लियाई, विच आर विदाउट न्यूक्लियाई। यानी मेमेलियन की आरबीसी और सीवी ट्यूब प्लांट सेल में पाई जाने वाली सीवी ट्यूब सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं। ऐसी लिविंग सेल्स है जिनके अंदर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी ऐसी सेल्स हैं लिविंग सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, इसलिए ये सेल थ्योरी का क्या होती है? एक्सेप्शन होती है। नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन क्या है? हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म कैन शो इवन दोज एक्टिविटीज, कैन शो इवन दोज एक्टिविटीज, कैन शो इवन दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट फाउंड इन देयर सेल, विच आर नॉट फाउंड इन देयर सेल, इन देयर सेल्स। एग्जाम्पल मैन कैन स्पीक, एग्जाम्पल इसका क्या है? मैन कैन स्पीक बट द कॉन्स्टिट्यूंट सेल्स कैन नॉट, बट द कॉन्स्टिट्यूंट, बट द कॉन्स्टिट्यूंट ट्यून सेल्स नॉट। यानी इसका मीनिंग क्या है? सिक्स नंबर के एक्सेप्शन का, हाईली इवॉल्व जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसी एक्टिविटीज को भी शो करते हैं जो सेल्स के अंदर, उनकी सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। हाईली जिनका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है जिन ऑर्गेनिज्म का, वो ऐसी एक्टिविटीज को भी शो करेंगे जो उनकी सेल्स शो नहीं कर पाती है। जैसे इसका एग्जांपल मैन कैन स्पीक, जो मैन है ह्यूमन है वो बोल सकता है, लेकिन जिन सेल से मिलकर वो बना है उन सेल के अंदर स्पीक की या बोलने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है।
इसलिए इसे सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कहा जाता है। तो सेल थ्योरी को एक जनरलाइजेशन कहा गया है। एक जनरलाइजेशन इसे किस रीजन से कहा गया है? सेल थ्योरी के अंदर अनेक एक्सेप्शन प्रेजेंट है, बहुत सारे अपवाद सेल थ्योरी के पाए जाते हैं, इसलिए इसे एक जनरलाइजेशन कहा जाता है। फर्स्ट एक्सेप्शन बायरस है, जो सेल स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज के बहुत सारे जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज है, वो पाई जाती है। बहुत सारी लिविंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। सेकंड, कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी सेल के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, उनकी बॉडी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियस से बनी होती है। एग्जाम्पल इसका म्यूकर और राइजोपस फंजाई है। ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, क्योंकि बॉडी का डिवीजन इनमें सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें सब सेलुलर लेवल पर डिफरेंट वर्क को करने के लिए डिफरेंशिएशन पाया जा रहा है। सेल के अंदर भी डिवाइडेशन हो गया, जबकि हमने बोला था, जब सेल थ्योरी पढ़ा था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक्सेप्शन हो गया सेल थ्योरी का। देयर आर मैनी सेल विच डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। बहुत सारी ऐसी सेल है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जिन्हें हम बोलते हैं, इसलिए सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग होता है जिसमें न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एबसेंट हो, और हिस्टोन प्रोटीन जिनके न्यूक्लियस के अंदर एबसेंट हो, वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एबसेंट है, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। मेमेलियन की जो आरबीसी है और सीवी ट्यूब जो सेल्स हैं, ये ऐसी लिविंग सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसी एक्टिविटीज को दिखाते हैं, ऐसी क्रियाओं को दिखाते हैं जो उनको बनाने वाली सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। जैसे जो ह्यूमन है, वो बोलने की कैपेसिटी उसमें मिलती है, लेकिन ह्यूमन को बनाने वाली सेल्स के अंदर बोलने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। ये सारे सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, इसलिए सेल थ्योरी को एक जनरलाइजेशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, फीचर कॉमन टू ऑल सेल्स, यानी ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो सभी सेल्स में कॉमन होते हैं। फीचर कॉमन टू ऑल सेल्स, बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो सभी सेल्स में कॉमनली पाए जाते हैं, उन फीचर्स को हमको पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? फर्स्ट फीचर हैविंग जेनेटिक मटेरियल, हैविंग जेनेटिक, हैविंग जेनेटिक मटेरियल। यानी सभी सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, किसी भी टाइप की सेल हो, किसी भी प्रकार की सेल हो, उन सभी सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल जनरली होता है डीएनए, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अब जो किसी भी टाइप की सेल हो, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। तो एक ये कॉमन कैरेक्टर है, कॉमन फीचर है सेल्स का, कि सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। सेकंड, हैविंग सेल मेम्ब्रेन, हैविंग सेल मेम्ब्रेन। सेल्स के अंदर एक आउटर कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कोई भी सेल हो, सब सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये कॉमन कैरेक्टर है सेल का, यानी सेल्स के अंदर सभी टाइप की सेल में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। थर्ड, हैविंग प्रोटोप्लाज्म, हैविंग प्रोटोप्लाज्म। सभी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है,
सभी सेल्स के अंदर सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। ऐसी कोई भी सेल नहीं होगी जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। तो ये कॉमन कैरेक्टर है सेल के अंदर, जो लिक्विड पाया जा रहा है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड जो सेमी फ्लूड जो पाया जा रहा है वो प्रोटोप्लाज्म है। तो सभी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को हम आपस में मिक्स कर दें तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। और सभी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैविंग सेम जेनेटिक कॉड्स, हैविंग सेम जेनेटिक कॉर्ड्स। सेल के अंदर जो जेनेटिक कॉर्ड्स होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको जेनेटिक कॉर्ड्स के फॉर्म में ले जाया जाता है। तो सेल्स के अंदर जो जेनेटिक कॉर्ड्स पाए जाएंगे वो सभी सेल्स के अंदर सेम होते हैं, समान होते हैं। जैसे कॉडॉन होते हैं AUG, GUG, इस तरह के कोडॉन्स जो होते हैं जो अमीनो एसिड को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, अमीनो एसिड को बनाने का फॉर्मेशन करते हैं, वो जेनेटिक कोड सभी सेल के अंदर सिमिलर पाए जाते हैं, सभी सेल के अंदर समान होंगे। बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड जो फंक्शन करेगा वही जेनेटिक कोड ह्यूमन में भी वही फंक्शन करता है। तो सभी सेल्स के अंदर जो जेनेटिक कोड है, आनुवंशिक कूट है, समान पाया जाता है। ये कॉमन फीचर है सभी सेल्स का। सेम मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नेक्स्ट जो कॉमन फीचर, सेम मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सभी सेल्स के अंदर डीएनए की प्रतिकृति की जो क्रिया है उसका मेथड समान होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है डीएनए के द्वारा अपने समान डीएनए बनाने की क्रिया डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। और सभी सेल्स के अंदर डीएनए प्रतिकृति की क्रिया, डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया का मेथड समान होता है। सेम मेथड मिलेगा, किसी भी टाइप की सेल हो उसमें डीएनए की प्रतिकृति की क्रिया समान तरीके से होती है, एक ही तरीके से होती है। ये सेल्स के कॉमन फीचर हैं। नेक्स्ट है सेम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सेम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सभी सेल के अंदर वायवीय श्वसन की क्रियाविधि समान होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन किया जा रहा है, उस एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस मैकेनिज्म सभी सेल में सेम पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन उसी मेथड से होगा जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। प्लांट सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन उसी तरीके से होगा जो एनिमल सेल में होता है। तो सभी सेल के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वायवीय श्वसन की क्रियाविधि समान होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैविंग जेनेटिक कंटिन्यूटी, हैविंग सेवन कैरेक्टर हैविंग जेनेटिक हैविंग जेनेटिक कंटिन्यूटी, हैविंग जेनेटिक कंटिन्यूटी। यानी सेल के अंदर अपने जो आनुवंशिक गुण हैं उनको एक सेल से दूसरे सेल में भेजने की कैपेसिटी पाई जाती है। सेल्स के अंदर जेनेटिक कंटिन्यूटी का गुण पाया जाता है। सभी सेल्स में आनुवांशिक सूचनाओं को अगली जनरेशन, अगली सेल्स के अंदर भेजने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगली सेल के अंदर उन्हें भेजने का गुण सेल के अंदर पाया जाता है।
तो ये फीचर्स हैं कुछ जो सभी सेल्स में कॉमनली पाए जाते हैं। सभी सेल्स के अंदर ये फीचर्स कॉमन रूप से प्रेजेंट होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ा, सेल थ्योरी इज ए जनरलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन प्रेजेंट हैं और कुछ फीचर्स होते हैं जो सभी सेल में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। उन फीचर्स के बारे में हमने आज के लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। इसके बारे में अभी हमने डिस्कशन कर ही लिया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ सेल थ्योरी एक्सेप्शन क्यों आए हैं। सबसे बड़ा इसका एक्सेप्शन है बायस। वायरस के अंदर सेल के लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये लिविंग प्रॉपर्टीज को शो करता है, इसलिए एक्सेप्शन है। इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे एग्जांपल है म्यूकर और राइजोफस, इनके अंदर क्या होता है, बॉडी जो है सेल के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, इनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, इसलिए ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं। सेल जो बॉडी है उसका डिवीजन सेल्स में नहीं होगा, बल्कि इनके अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन मिलेगी। इस तरह की कंडीशन मिलती है, जैसे बॉडी है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट होंगे, इसे हम मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन बोलते हैं। तो इनमें मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है, जो सेल है जो बॉडी है वो सेल्स के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसलिए ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। प्रोटोजोआ में सब सेल डिफरेंशिएशन पाया जाता है, सेल के अंदर भी डिफरेंशिएशन मिलेगा डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए, इसलिए ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। मैनी सेल्स ऐसी है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। मैमेलियन आरबीसी और सीवी ट्यूब सेल ऐसी लिविंग सेल है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। हाईली इवॉल्व जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज पाई जाती है जो सेल्स में नहीं मिलती है, जैसे एग्जाम्पल मैन स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसको बनाने वाली सेल्स बोल नहीं सकती है, तो इसलिए सेल थ्योरी का ही क्या होता है, एक तरह का एक्सेप्शन होता है। और फीचर्स जो कॉमन है सेल्स के अंदर, सभी सेल्स में जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, डीएनए मिलता है जनरली सेल्स के अंदर, उस सेल्स में आरएनए पाया जाता है। हैविंग सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर एक कवरिंग सभी सेल में मिलती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हैविंग प्रोटोप्लाज्म, सभी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। हैविंग सेम जेनेटिक कॉर्ड, सभी सेल में समान प्रकार का आनुवंशिक कॉर्ड होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक कॉर्ड काम करता है वही जेनेटिक कॉर्ड ह्यूमन के अंदर काम करता है, तो सभी सेल्स में सेम जेनेटिक कॉर्ड्स पाए जाते हैं। सेम मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सभी सेल डीएनए रेप्लिकेशन होता है डीएनए से नए डीएनए का बनना, तो सभी सेल के अंदर डीएनए जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो सेम मेथड से होती है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सभी सेल में वायवीय श्वसन की क्रियाविधि समान होती है, सब सेल के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एक ही प्रकार की क्रियाविधि से संपन्न होता है। हैविंग जेनेटिक कंटिन्यूटी, जो अपनी आनुवंशिक सूचनाएं हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको अगली सेल्स में भेजने की कैपेसिटी सभी सेल्स के अंदर पाई जाती है। तो आज हमने सेल थ्योरी एक जनरलाइजेशन है उसके कुछ रीजंस पढ़े हैं और कॉमन जो फीचर्स होते हैं सेल्स के उनके बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जी एन रामचंद्रन, एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन के लेवल पर कुछ अच्छे डिस्कवरीज की थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, सेल के अंदर जो टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।